नमस्कार, मैं एम कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। अब आते हैं आज की खबरों पर। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये दवाई आम लोगों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही। जिनके पास अच्छी खासी पहुंच है, जिनकी जान पहचान है, वो तो कहीं ना कहीं से उपलब्ध करा ले रहे हैं, लेकिन आम लोगों तक ये दवाई बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रही। लगातार इसकी कालाबाजारी हो रही है। इन्हीं बातों पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि सरकार इस इंजेक्शन रेमडेसिविर को छोड़कर ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाए और आम लोगों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचने चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बीच बिचौलियों का साथ दे रही है, जो बीच में इन दवाइयों की कालाबाजारी करके अच्छी पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार वैसे लोगों का साथ दे रही हैं, उन कंपनियों का साथ दे रही हैं जो कि सरकार को अच्छी रकम चंदे के रूप में देती हैं, वो जनता के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बातों के साथ वो लगातार सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पटना वासियों को 60,000, 70,000, 90,000 में एक सिलेंडर, और आपको आश्चर्य होगा जो मुंह पर मास्क है वो 6,000, 8,000, और उसमें भी आश्चर्य होगा ऑक्सीजन भराने में कम से कम, मत पूछिए। तो सरकार बताए कि डॉक्टर लिखती है 6, आप देते हैं 20। एम्स के डायरेक्टर दिल्ली कहती है इसकी जरूरत नहीं, टेक्सा जोसन लिखिए, अन्य दवाई से करिए, और आप इसकी बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं। बिचौलियों का काम, कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट, और सरकार ने पूरी कंपनी की पैसे अपने खाते में ले ली। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस दोनों इशू पर मौन कि दवाई कहां गायब है, और इस वेंडर को अविलंब बैन किया जाए जो ब्लैक मार्केटिंग कर रही हर परिस्थितियों में, पूरी कालाबाजारी। कुछ लोग कंप्लीट 2 नंबर का इन दवाई 5वीं चीज। हम महुआ गए थे, हम बीता गए थे, कहीं भी नर्स नहीं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वार्ड बॉय नहीं, डॉक्टर नहीं। हमारे सामने एक अस्पताल में 3 इंतकाल, 3 मिनट, एक ही अस्पताल महुआ हाजीपुर का मॉडल अस्पताल। ऑक्सीजन नहीं लगाने के चलते पत्नी चिल्लाती रही, मेरे सामने में 3 मर गई।